हेलो फ्रेंड्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ योर्स दैट इज अकाउंटिंग राइट अकाउंटेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके पूरे कॉमर्स फील्ड का ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट उसकी टेक्निकलिटीज में जाने से पहले सबसे पहली बात तो ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट वेरी केयरफुली द रीज़न बींग दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बट आपको ये सब्जेक्ट अगर एलेवेंथ में अच्छे से आया तो इन ट्वेल्थ बोर्ड यू कैन डेफिनेटली स्कोर फुल मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट तो ये दिमाग में रखते हुए चलना है कि आई वॉन्ट एटी ऑन एटी इन अकाउंट्स राइट और प्रोजेक्ट्स जो देंगे उसमें तो अच्छे आने ही आने हैं एलैंथ में भी आवर टारगेट विल बी टू गेट फुल मार्क्स फर्स्ट टारगेट एंड द सेकेंड टारगेट इज टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट थर्ली आपको एकदम बढ़िया तरीके से ये सब्जेक्ट आना चाहिए द रीज़न बीइ दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दिस सब्जेक्ट इज़ हैविंग अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टुअर्ड्स इट कि आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली हमने ये होते हुए देखा है यू विल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स कि हमने अपने लाइफ में पर्सनल लाइफ में भी ये सब चीज़ें होते हुए देखी है एंड इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग वंस यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट स्लोली राइट नाउ मैं आपको अगर ऐसा बोलूँ कि आप सबने अकाउंटिंग कभी ना कभी तो करा हुआ ही है यू ऑल नो हाउ टू डू अकाउंटिंग आप सबको एक आइडिया है बेसिक आइडिया यू ऑल नो कि अकाउंटिंग कैसे होती है वॉट इज अकाउंटिंग अकाउंट्स होता क्या है वो सबको पता है योर क्वेश्चन विल बी हाउ डू वी नो हमने तो कभी कुछ नहीं करा अकाउंट से लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्मॉल एंड गुड एग्जाम्पल यू कैन सी अ फादर एंड अ डॉटर ओवर योर आपको दिख रहा होगा राइट ऑन द स्क्रीन द डॉटर इज आस्किंग फॉर मनी कि मुझे पैसे चाहिए आई वॉन्ट सम मनी एंड द फादर इज गोइंग टू गिव हर डेफिनेटली डॉटर ने जिद करी है तो पापा पैसे तो देने ही वाले हैं राइट right? अब उसको पैसे मिले डॉटर गॉट द मनी एंड शी इज़ हैप्पी एंड डांसिंग विद द जॉय कि चलो फाइन आई गॉट द मनी मुझे पाँच हज़ार चाहिए थे पापा ने पाँच हज़ार दे दिए आई एम हैप्पी नाउ डांसिंग विद द जॉय एंड थिंकिंग क्या क्या इसका यूज़ कर सकते हैं ये पैसे को मैं कहाँ कहाँ यूज़ करूँगी राइट right? अपना मैं हूँ या आप हो सबके दिमाग में आता है कि पैसे मेरे पास इतने आए चलो इसको मैं कहाँ यूज़ करूँ कहाँ कहाँ इसको यूज करूंगी तो मुझे क्या क्या करना है वो सब चीज़ें वी विल थिंक ओवर लाइक द गर्ल दैट इज डांसिंग इन योर स्क्रीन राइट अब इसने क्या सोचा पता है कि मैं इस पैसों का क्या करूंगी पहला उसने सोचा टू बाय अ गिफ्ट फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है वॉट एवर इट इज़ कि उसने पहला दिमाग में आया कि मुझे गिफ्ट बाय करनी है किसके लिए कोई फ्रेंड के लिए मे बी देन शी थॉट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मोबाइल रिचार्ज करवाना पड़ेगा ना डेफिनेटली अब तो एलेवेंथ में आ गए हो मोबाइल होगा तो तो रिचार्ज करवाना ही सोचा है सबसे पहला कि इंटरनेट का रिचार्ज आई वांट अब तो पढ़ना भी शुरू हो गया इंटरनेट का रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आई वांट देन शी थॉट ऑफ व्हाट ऐसी चीज़ जो अभी काफ़ी टाइम से बंद है बाहर का खाना फ्रेंड से मिलना पार्टी वार्टी करना खाना पीना अच्छे से लॉकडाउन खुल जाएगा तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट राइट सो खाने पीने का उसने सोचा देन शी थॉट ऑफ वॉट एलेवेंथ में आए नए क्लासेस में जाएंगे तो क्या चाहिए होगा नए कपड़े करेक्ट सो शी थॉट ऑफ वॉट बाइंग सम न्यू क्लोथ्स एंड देन लास्टली वॉट शी थॉट ऑफ कि भाई मुझे इतना घूमना है मोबाइल रिचार्ज करवाने जाना है कपड़े लेने जाना है फ्रेंड्स को मिलना है खाना पीना है अच्छा तो मैं क्या मुझे क्या चाहिए मेरे एक्टिव आया जो भी व्हीकल है या कार वट इट इज़ उसमें पै, मुझे पेट्रोल तो चाहिए तो वो सारी चीज़ें उसने सोच ली जैसे ही हाथ में पैसे आए ना ये सारी चीज़ें दिमाग में आ गई मुझे गिफ्ट लाना है मुझे रिचार्ज करना है मुझे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है खाना पीना है अच्छा वाला मुझे क्लोथ्स बाय करना है नए नए क्लासेस में जाना है तो एंड मुझे ये सब करने के लिए पहले तो मेरे व्हीकल में पेट्रोल चाहिए होगा राइट ये सब खर्चे उसने किए थ्रू आउट द मंथ करेक्ट पर वो है ना आपकी तरह थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट थी तो उसने ना ये खर्चे करके क्या करा पता है ये खर्चे करके ये सारे खर्चे लिख लिए जो कुछ भी खर्चे उसने करे ना एज शी वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट लाइक यू वॉट शी डिड वॉज शी रोट ऑल द एक्सपेंसिस दैट शी डिड सारे खर्चे लिख लिए कि ये फाइव थाउजेंड यहाँ 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 खर्च हुए हैं सो दैट कल जाके पापा के पास वापस जाएंगे ना हम पैसे मांगने के लिए देन वॉट ही इज गोइंग टू आस्क यू कि कहाँ गए वो पैसे जो तो मैंने आपको लास्ट महीने दिए थे यू शुड यू शुड हैव अ प्रॉपर आंसर राइट यू शुड हैव एन आंसर टू शो हिम कि हाँ मैंने यहां यहां खर्चा किया है देन ओनली ईल गिव यू द मनी अगेन अदरवाइज से नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव द मनी यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आप कहाँ ये पैसे खर्च कर रहे हो तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू राइट सो आपने क्या किया यानी कि बच्ची ने क्या किया लिख लिया राइट right? कि कहाँ कहाँ उसने पैसे खर्च करे हैं एंड देन शी वेंट बैक अगेन टू पप्पा उसके जो भी डैडी है उनके पास गए कि भाई मुझे वापस पैसे चाहिए आपने जो दिए थे वो पूरे खर्च हो गए हैं राइट बी ऑल यू टू डू दैट राइट आप सब तो करते ही होंगे अभी भी सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा फ्रॉम द डैड वॉट यू डिड विद दाइव थाउजेंड गिवन यू लास्ट मंथ लास्ट महीने तो फाइव थाउजेंड दिए थे कहाँ स्पेंड कर दिए एंड वॉट शील बी सींग नॉट टू वरी मैंने जो जो किया है ना वो सब कुछ मैं एकदम लिख के ही रखती हूँ ताकि मुझे पता ही होता है आप पूछने वाले हो एंड आई शुड हैव द आंसर तो शी हेज रिटर्न ऑल दो राइट अब ये पूरा एग्जाम्पल आप लोगों ने मेरे साथ देखा करेक्ट और आपको एक आइडिया भी आया होगा कि हाँ यार ये सब तो हमारे साथ हुआ है लाइफ में ये सब तो सब चलता ही रहता है करेक्ट वी टेन टू डू सच थिंग्स ये सारे खर्चे हम करते हैं आज भी पर कहना से कि ये जो कुछ भी लिखा है वॉट एवर वी हैव रिटर्न वॉट एवर एक्सपेंसिस दैट वी हैव डन क्या वो एक सही वाला अकाउंटिंग हुआ है उसका एनी से लाइक दैट द आंसर विल डेफिनेटली बी वॉट नो कि नहीं मैम दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर अकाउंटिंग दिस इज नॉट अ गुड अकाउंटिंग इसको थोड़ी अकाउंटिंग बोले बोलते हैं हम पैसे आए तो वो लिख ले पैसे गए तो वो लिख ले तो क्या उसको अकाउंटिंग बोल देंगे द आंसर इज डेफिनेटली नो कि नहीं उसको अकाउंटिंग हम नहीं बोलेंगे यू आर राइट बट वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ आपने इनकम हुई वो लिखा इनकम मानी पापा ने पैसे दिए वो उसकी बात कर रही हूँ एज ऑफ नाउ तो आपके पास पैसे आए आपने वो लिख लिया आपके हाथ में से पैसे गए जो जो भी खर्चा हुआ आपने वो भी लिख लिया करेक्ट यू हैव डन इट ऑल आप ये आपने ये सब करा है इट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ अकाउंटिंग बट आई कैन से इट इज़ अ रफ अकाउंटिंग रफली तो हुआ ही ना आपने लिखा तो है आपके पास सब रिकॉर्ड तो है मेनटेन के पे हाँ ये ये चीज़ें मैंने करी थी आपको कल जाके कोई पूछे और आपने एक प्रॉपर डायरी बनाई हुई हो तो तो आपको मिलेगा ना कि हाँ यार उस दिन मैंने ये खर्चा करा था करेक्ट सो नो डाउट इट इज नॉट अ प्रॉपर सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग बट स्टिल यू हैव डन अ रफ वर्क आई कैन से राइट और अब हमें रफ वर्क तो इतना आता ही है तो अच्छे से पढ़ना प्रॉपर तो आने ही वाला है राइट नाउ नॉट इन अ सिस्टमैटिक मैनर ये जो कुछ चीजें हुई है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में नहीं हुई है और उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में कैसे लिखा जाता है उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं लिखने के बाद उसका क्या क्या यूज़ होता है वो सारी चीज़ें हमें कहाँ पे पढ़नी है अकाउंट्स में अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट लुकिंग एट द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग एट द ट्रांजैक्शंस, क्लासीफाइंग दोस्ट ट्रांजेक्शन एनालाइजिंग दो ट्रांजेक्शन समराइजिंग दोस््रक्शन एंड कम्युनिकेटिंग दोस्त सब कुछ अकाउंट्स में हमें समझना है सी इन टूडेज क्लास वी आर नॉट गोइंग टू यू नो डू द प्रॉपर वाला एकदम इन डेप्थ वाला पढ़ने नहीं वाले हम इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेसिक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी आई कैन से एकदम लेजी वाला टाइम पीरियड हो आपका उसमें आप देखो वीडियो कोई बात नहीं है आपको आज कुछ इतना लिखना नहीं है कोई बर्डन लेके नहीं चलना है कि अकाउंटेंसी ओ oh, एकदम टफ सब्जेक्ट है प्लीज ये दिमाग में से निकाल दो कि अकाउंट्स इज टफ सब्जेक्ट इट इज डेफिनेटली नॉट अ टफ सब्जेक्ट इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट राइट अब अकाउंट्स है क्या हम अकाउंट्स को एक सिंपल वर्ड में समझे वर्ड्स में समझे तो अकाउंट्स क्या है कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे अकाउंटिंग इज सबसे पहला लिखा हुआ है क्या इट इज अ प्रोसेस अकाउंट्स ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और ख़त्म हो गई बात इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसे बस एक ट्रांजेक्शन लिखा फिर भूल गए पिक्चर देखने गए वो लिखना रह गया था लेकिन गिफ्ट बाय करी वो लिखा है और फिर हम बोले मैंने अकाउंटिंग करा ऐसा नहीं होता इट इज़ अ प्रोसेस वो हमें हर एक चीज़ में करना पड़े क्या करना है मैम किस टाइप का प्रोसेस है ये प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग क्या कलेक्ट करना है मैंने अपने वाले एग्जाम्पल में गिफ्ट बाय करा था पेट्रोल भरवाया था फ्रेंड्स के साथ पार्टी करी थी नए कपड़े बाय करे थे रिचार्ज करवाया था इतनी सारी चीज़ें मैंने करी राइट इन द एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन टू यू वो सभी में मुझे कलेक्ट क्या करना था वो सभी चीज़ों का बिल और अ रिसिप्ट राइट कोई भी अपने मोबाइल रिचार्ज की भी ई रिसिप्ट तो होगी ही राइट सो आई नीड टू कलेक्ट दोस इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई

तरीका है उसी तरीके से अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होता है तो हाउ वी शुड राइट जैसे मैंने बोला कि भाई पैसे पैसे आए वो वो लिख पैसे वो लिख लिए लिए गए तो ये थोड़ी ये थोड़ी अकाउंटिंग हुआ अकाउंटिंग नहीं हुआ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करने हैं ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं वो हमें समझना है आगे जाके राइट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लासीफाइंग नाउ वॉट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मैम आप कि किस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो एकदम सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपने महीने में चार बार पेट्रोल भरवाया होगा फ्यूल भरवाया होगा तो आप सीधा क्या लिखोगे फ्यूल कॉस्ट वॉट एवर इट इज़ पाँच हज़ार में से मान लेते हैं दो हज़ार पेट्रोल में गए तो फ्यूअल कॉस्ट टू थाउजेंड यू विल बी राइटिंग यू वॉन्ट बी राइटिंग हंड्रेड रुपी पेट्रोल टू हंड्रेड रुपी पेट्रोल एंड इवन इफ यू आर राइटिंग दैट आगे जाके आप टोटल तो करोगे ही ट इज नोन एज वॉट क्लासीफाई करा आपने कि भाई हाँ इसका ये खर्चा है इसका ये खर्चा है आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस इन अर लेम एंड लैंग्वेज आपको ईजीली दिमाग में बैठे वैसा मैं एक्सप्लेन कर रही हूं वी विल बी गोइंग इन टू द टेक्निकल पार्ट लेटर ऑन राइट सो क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंगली देन समर राइजिंग समरी फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना पापा को थोड़ी हम पूरे महीने का एवरी डे का देंगे कि ये दिन ये करा था ये दिन पे ये करा था इस दिन कोई ये फ्रेंड को मिले, मिले थे तो इसके साथ ये खाया था ऐसा देंगे नो no. एक समरी दे देंगे कि मैंने इतनी बार बाहर का खाना खाया था तो इतने पैसे बाहर के खाने में खर्च हुए इतना फ्यूअल कॉस्ट था इतना मैंने मोबाइल का रिचार्ज करवाया इतने के मैंने कपड़े बाय करे फॉट एवर इट राइट तो समरी फॉर्म में वी विल बी गिविंग दैट टू आर फादर इन कम्युनिकेटिंग यहाँ पे तो अपने एग्जाम्पल में तो हम कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं डेफिनेटली पापा से कर रहे हैं राइट बट इन केस ऑफ बिजनेस द पीपल हु आर इन टू दिस कमर्शियल थिंग द पीपल हु आर डूइंग सर्टन बिजनेस उनके लिए जो भी ट्रांजेक्शन वो कर रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स किसी को कम्युनिकेट करने पड़ेंगे किसको वी विल अंडरस्टैंड दैट लेटर पार्ट आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ एज ऑफ नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेम एंड वे राइट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग यहाँ पे पापा का डिसीजन क्या हुआ उन्होंने क्या जजमेंट लिया कि ये बहुत खर्चा करता है या करती है वट राइट right? बट इन बिजनेस वी नीड टू मेक द डिसीजन के क्या यार हम पैसे बचा पा रहे हैं क्या मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है मुझे फाइव थाउजेंड मिल रहा है और मेरे एक्सपेंसिस दस हज़ार हो रहे हैं या मुझे फ़ाइव थाउजेंड मिल रहा है और मेरे एक्सपेंसिस टू थाउजेंड हो रहे हैं वॉट एवर इट इज़ राइट इन बिजनेस वी नीड टू मेक सच डिस ऑल्सो नो कि भाई मैंने सोचा था कि मैं ये महीने में फाइव थाउजेंड का एक्सपेंस करूँगी पर मेरा एक्सपेंस हो गया लेट से एट थाउजेंड का तो इज़ इट अ गुड थिंग नो इट इज़ नॉट तो ये क्या हुआ मैंने डिसीजन लिया कि नहीं कुछ गड़बड़ मैं कर रही हूँ मुझे सही करना पड़ेगा इसको बिजनेस में यही चीज़ होती है कि आपने सोच के रखा है कि हम ये 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 एक्सपेंसेस करेंगे और ये एक्सपेंस करने के लिए वी नीड सो एंड सो एंड सो इनकम्स वो सब हमने सोच के रखा है दिमाग में सब है पर जो सोचा था क्या उस अकॉर्डिंग हुआ क्या हमने जो प्लान करा था क्या उस अकॉर्डिंग हमने कुछ करा इफ़ इट इज़ डन इन दैट वे देन इट इज़ फाइन बट इफ़ इट इज़ नॉट डन इन दैट वे तो कुछ करना पड़ेगा एंड दैट डिसीजन वी नीड टू टेक कि क्या ये सही है या नहीं क्या ये हम जो कुछ भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहे हैं कि नहीं राइट right? वो सारी चीज़ें हमें कहाँ ध्यान रखनी है बिजनेस में ध्यान रखनी है कि भाई ये सही हो रहा है कि नहीं राइट right? दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया अबाउट अकाउंटिंग मैंने अभी आपको एक प्रॉपर वाली डेफिनेशन भी नहीं पढ़ाई है मैंने आपको सिर्फ एक सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है कि अकाउंटिंग होता क्या है अकाउंटिंग में करना क्या रहता है और ये जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया उससे आपको दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ होगा कि हाँ ये सब तो हमने करा हुआ है वी नो ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ लेट्स मूव फॉर्दर विथ समेक्निकल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग राइट

वी डोंट वॉन्ट सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस टू मग अप द थिंग्स वाई शो बिकॉज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी आपका जितना दिमाग लॉजिकल सोच पाएगा ना उतना आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा अगर आपने लॉजिकली सोचना बंद किया ना ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट्स गॉन तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट लॉजिकली रादर देन मगिंग अप द थिंग्स राइट यहाँ पे डेफिनेशन अपना क्या बोल रहा है अकाउंटिंग इज द आर्ट वाई इट इज एन आर्ट यहाँ पे एग्जाम्पल में एक लड़की ने आप जैसी कोई एकदम होशियार लड़की थी उसने लिखा था अकाउंटिंग उसने जो भी कुछ करा था जो भी ट्रांजेक्शन लिखे थे वो लिखे और मैं लिखूँ उसमें डिफरेंस रहेगा आंसर विल डेफिनेटली बी यस राइट इट इज एन आर्ट सब क्या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल डिफर

वो सारी एक्टिविटीज विच आर है इंफॉर्मेशन ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू वॉट मनी पैसे से रिलेट करती हुई होनी चाहिए एक्टिविटीज राइट मैं ऐसा बोलूं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स है उनकी मैं फेवरेट टीचर हूँ एम द फेवरेट टीचर ऑफ सम स्टूडेंट्स क्या वो फेवरेट कितना फेवरेट कैन आई मेजर दैट पर्टिकुलर थिंग इन टर्म्स ऑफ मनी डेफिनेटली द आंसर विल बी नो कितना फेवरेट बहुत फेवरेट बहुत पर कितना फेवरेट दैट वी डोंट नो राइट सो वी कैन नॉट रिकॉर्ड दैट फेवरेट थिंग इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ये चीज है कि भाई इकोनॉमिक होना चाहिए यानी कि मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन हैज बी देर राइट इन अग्निफिकेंट मैनर और आई कैन से सिग्निफिकेंट इन अस्टमैटिक मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देर ऑफ अब ये क्या इतना बड़े बड़े वर्ड्स आ गए मैम सी दिस सेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन जो भी अपने रूटीन ट्रांजेक्शन होता है वो कुछ खरीदा कुछ बेचा वॉट एवर इट इज सी खरीदने बेचने के लिए भी देर आर सर्टेन टर्म्स वी विल अंडरस्टैंड दैट इन अवर कमिंग लेक्चर्स हम समझेंगे काफी सारे टर्म्स समझ रहे हैं अपकमिंग लेक्चर्स में वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑन लेटर पार्ट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ मतलब क्या फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे मैंने अभी अभी बोला कि भाई फेवरेटिज्म डजेंट हैव अ फिनेंशियल कैरेक्टर कितना फेवरेट दैट वी डोंट नो आप ऐसा बोलो कि यू लव योर मॉम कितना लव दैट यू डोंट नो दैट यू कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ फिनेंसिस राइट सो अकाउंटिंग विल रिकॉर्ड ऑल दोज थिंग्स विच वी कैन मेजर इन फिनेंस Who is having the financial character which we can measure in terms of what money and interpreting the results there of results मैंने अभी अभी आपको बताया results कौन से वाले results की ये बात कर रहे हैं भाई यही कि यार एक महीने में मैंने पैसे save करे कि मैंने और ज़्यादा पैसे use कर दिए मुझे मिले तो दस हज़ार और मैंने spend कर दिए फिफ्टीन थाउजेंड तो एक result क्या आया कि भाई यार पाँच हज़ार का loss कर दिया मैंने नुकसानी में चल रही हूँ मैं करेक्ट या yeah, मुझे मिले थे दस हज़ार और मैंने सिर्फ यूज़ कराए दो हज़ार आठ हज़ार रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा बचे राइट सो दैट इज गिविंग अस द व्हाट द रिजल्ट राइट कि रिजल्ट मेरा इतना है इधर मेरे पास पैसे बच रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं वॉट एवर द केस मे बी राइट सो दिस इज़ द डेफिनेशन दैट देव गिविन इन अकाउंट्स बाकी जो डेफिनेशन है दैट यू कैन रीड इट ऑन योर ओन ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कुछ दिख, दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे सी टूडे आई एम नॉट गोइंग ऑन टू द टर्मिनोलॉजीज जो टर्म्स है वो मुझे आपको सिखानी है

आई दर विल बी प्रॉफिट और देर विल बी लॉस डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी ऑफ स्पेंडिंग द मनी राइट देन टू असर्ड इन द फिनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस हमारी फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है स्टेबल है कि नहीं है हमारे पास पैसे बचे हैं अच्छे से बचे हैं कि नहीं बचे हैं वो सब देखना पड़ेगा मैं यहाँ पर आपको पर्सनल लेवल पर बता रही हूँ पर यह अकाउंट्स किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है बिजनेस के बारे में बात कर रहा है कि भाई बिजनेस अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैं आपको ऐसा बोलूँगी यार एक कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे अब शेयर्स ये सब तो आपके लिए एकदम नया ही है राइट right? पर हाँ आप सबको पता है कि रिलायंस अच्छी कंपनी है हम सबको पता है रिलायंस इज अ गुड कंपनी टाटा इज अ गुड कंपनी कैसे पता है दे आर हैविंग अ गुड फिनेंशियल पोजिशन उनकी एक पोजिशन अच्छी एक रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है और ये फिनेंशियल पोजिशन डिटरमाइन कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे कहाँ अकाउंटिंग में राइट right? देन प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स जो कोई भी लोग अकाउंट्स को यूज करेंगे अपने जो भी अकाउंट्स हमने लिखे उसको यूज करेंगे तो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन तो देनी पड़े ना उसको कुछ डिसीजन लेना पाए जैसे पापा ने पूछा था लास्ट एग्जांपल में कि कहाँ गए पैसे तो मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़े ताकि वो समझ पाए कि उसने यहाँ यहाँ खर्चा कराया आई कैन नॉट गिव हिम कि मैंने फर्स्ट से लेकर थर्टी एथ डेट तक हर दिन ये 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 खर्चा किया है पापा देखते देखते थक जाएंगे उसको सीधा कनेक्ट होना चाहिए कि हाँ ये बात कर रहा है सही बोल रहा है ये करेक्ट देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट कोई बिजनेस है तो बिजनेस में काम कर रहे लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हम राइट right डायरेक्शन में है कि रॉन्ग डायरेक्शन में है पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं कि कम खर्च हो रहे हैं पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं या कहाँ से पैसे आ रहे हैं फॉट एवर इट इज मैनेजमेंट जो है जो लोग अपना बिजनेस संभाल रहे हैं वो सबको भी तो एक आइडिया होना चाहिए एक बेसिक आइडिया हैज टू बी देर टू प्रिवेंट फ्रॉड्स बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सी एक सिंपल सी बात है मैंने अभी अभी तो एक पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल लिया है पर इन बिजनेस इफ़ यू आर राइटिंग अ अस्टमैटिक मैनर ऑफ अकाउंट्स आपको ज़्यादातर अकाउंटिंग के मैं अकाउंटिंग uh, की मैं बात करूँ तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आएंगे बिकॉज यू आर राइटिंग इट प्रॉपरली यू आर राइटिंग इट इन अ अस्टमेटिक मैनर देर आर चार्ट अकाउंटेंट्स जिसकी ज़रूरत पड़ती है क्यों पड़ती है माई सेल्फ आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड आई डू मेंटेन मैनी क्लाइंट्स अकाउंट्स राइट वाई मैं उनके अकाउंट्स क्यों मेनटेन करूँगी उनको क्यों मेरी जरूरत है द रीजन बींग यू शुड हैव द नॉलेज टू रिकॉर्ड द अकाउंट्स इन अ अस्टमैटिक वे करेक्ट सो अगर अच्छे से अकाउंटिंग मेंटेन करा हुआ है देर वोट बी एज सच फ्रॉड इन अकाउंटिंग राइट देर इज एडवाज इन आई कैन से प्रॉपर वाला थियोरी जो हम अभी नहीं कर रहे हैं अदरवाइज यू विल गेट बोर्ड एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट राइट यहाँ पे कुछ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आपको दिख रहा है अब आप इलेवेंथ ट्वेल्थ पास आउट कर जाओगे ना दैन यू विल बी एबल टू डू बुक कीपिंग आप अच्छे से बुक कीपिंग कर पाओगे बुक कीपिंग क्या होता है पता है जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ना जो भी उसको लिखना दैट इज बुक कीपिंग लिखो बस कि ये हुआ ये खर्चा हुआ ये इनकम हुई वॉट एवर वॉट एवर जो जो, जो चीज़ें होती हैं उसको एक आ, सही वे में लिखने के तरीकों को बोलेंगे बुक कीपिंग पर बुक कीपिंग के बाद ही शुरू क्या होता है अकाउंटिंग कि उसको कहाँ क्लासीफाई करना है उसका एनालाइज क्या एनालिसिस क्या करना है उसकी समरी कहाँ लिखनी है कैसे लिखनी है कि मेरे यूजर्स को समझ में आए वो सब चीज़ें हमें कहाँ देखनी है accounting right so we will understand this bookkeeping and accounting ka difference also in later part see i don't want you to read all those theoretical part right now अभी हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग का एक बेसिक आइडिया करना है दैट्स ऑल इन माय अपकमिंग लेक्चर्स आल्सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच द बोरिंग वाला थ्योरी टू यू एट ऑल वी आर गोइंग टू मूव फॉरदर विद द प्रैक्टिकल थिंग्स ओनली प्रैक्टिकल एज इन नॉट सम्स बट या द अप्रोच दैट अकाउंट्स इज हैविंग आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने डे टू डे लाइफ में भी ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग्स राइट आई होप यू आर थ्रू विद द बेसिक आइडिया ऑफ अकाउंटिंग थैंक यू